तो आज हम बात करेंगे कि पाइल्स और फिशर में क्या अंतर है और इन दोनों का क्या इलाज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुंदन खरड़े। मैं एक जनरल सर्जन हूं और प्रिस्टीन केयर में कार्यरत हूं। आज हम जानेंगे कि पाइल्स और फिशर में क्या अंतर है, उनमें सिम्टम्स क्या होते हैं और उनके लिए इलाज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले फिशर जो है, फिशर मतलब अगर हिंदी में बात करूँ तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन होगा एक चीरा पड़ना। मोशन की जगह पे मतलब गुदद्वार के यहाँ पे एक छोटा सा चीरा हो जाता है हार्ट स्टूल या कॉन्स्टिपेशन की वजह से, और इसके वजह से हमें काफ़ी बर्निंग पेन होता है। जब भी हम मोशन पास करेंगे तो काफ़ी जलन महसूस होगी जो कुछ घंटों के लिए लास्ट हो सकती है। तो ये हुए फिशर के लक्षण। पाइल्स जो है वो एक्चुअली हमारे जो एनल कैनाल होता है गुदद्वार के एक 4 सेंटीमीटर अंदर कुछ एनल कुचन्स होते हैं जिसके ऊपर अगर लगातार प्रेशर बना रहे तो धीरे धीरे साइज में बढ़ जाते हैं, और ये बड़े हुए मास को हम पाइल्स बोलते हैं जो कभी कभी ब्लीड भी हो सकते हैं। तो फिशर और पाइल्स में दोनों में मेन अंतर ये है कि फिशर जो है दैट विल ऑलवेज बी पेनफुल, और उसमें जो ब्लीडिंग है वो हार्डली एक या दो ड्रॉप हो सकता है, वेराज पाइल्स जो है उसमें जो ब्लीडिंग रहेगा वो एक या दो चम्मच से भी ज़्यादा हो सकता है, और काफ़ी बार पाइल्स का जो ब्लीडिंग है वो पेनलेस हो जाता है, मतलब आपको दर्द नहीं रहेगा लेकिन ब्लीडिंग काफ़ी हो सकता है। पाइल्स में भी कुछ हद तक पेन हो सकता है लेकिन एक 5-10% लोगों में ही। पाइल्स और फिशर भले ये दो अलग अलग बीमारियां हैं लेकिन इन दोनों बीमारियों का होने का कारण एक ही है, जो मेन कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन और हार्ट स्टूल्स। पाइल्स और फिशर ये दोनों एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इसका मतलब अगर उसका आप सही वक्त पे इलाज नहीं करोगे तो धीरे धीरे आगे जाके वो बढ़ता ही जाएगा और एक फिर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन के रह जाएगा जिसका इलाज भी उतना ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला पाइल्स और फिशर एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो हम मेडिसिन से उसका प्रोग्रेशन रोक तो सकते हैं, मतलब आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं हम। आपका ब्लीडिंग है तो वी कैन स्टॉप द ब्लीडिंग, अगर पेन है तो वी कैन गिव यू पेन किलर्स एंड रिलीव द पेन, लेकिन जो बड़े हुए मास है जो स्वेलिंग्स है वो तो किसी दवाई से जाने वाले हैं नहीं, उसके लिए हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है। सर्जरी में भी अभी काफ़ी नई तकनीक आ गई है, हम सर्जरी में लेज़र या फिर स्टेपलर का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको मिनिमल पेन होता है, आपकी रिकवरी भी काफ़ी फास्टर हो सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट या दवाई से आपका सिम्टम्स तो रिलीफ हो जाते हैं लेकिन जब तक आपकी दवाई चलेगी आपका सिम्टम्स रिलीव रहेगा। एक बार आपने दवाई बंद कर दी तो कुछ दिनों के बाद आपको वापस से तकलीफ चालू हो जाती है, तो मेडिकली जो ट्रीटमेंट रहेगी वो टेम्पररी इफेक्ट देगा आपको। आपको अगर कुछ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहिए होगा तो सर्जरी विल बी अ बेटर ऑप्शन। तो ये थी कुछ पाइल्स और फिशर के बारे में कुछ संक्षेप जानकारी, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रहेगा तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू। बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन pristinecare.com। Pristine Care.